नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारी को मुख्य मार्गों और रात्रिकालीन सफाई कर्मी ड्यूटी लगाने के विरोध में नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति ने बुधवार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी नगर आयुक्त को दिया था। इस दौरान नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त से दूरभाष में वार्ता करने और लिखित आश्वासन मिलने के बाद अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति राम प्रकाश सिंह ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति राम प्रकाश सिंह ने कहा, मैंने दिनांक 23/7 को नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारियों के संबंध में एक नगर आयुक्त को मैंने पत्र दिया था, जिसमें नगर आयुक्त ने एक मीडिया अखबारों में बयान दिया था कि नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारी मुख्य मार्ग और रात्रिकालीन पर लगाए जाएंगे, जिसके विरोध में मैंने 23/7 को पत्र दिया था और मांग किया था कि जिसमें कि हमारे नियमित सफाई कर्मचारियों में 60% महिलाएँ सफाई कर्मचारी हैं, ये अव्यवहारिक है, इनको मुख्य मार्ग और रात्रिकालीन में लगाए जाएंगे। अगर 29 जुलाई तक मेरी बात नहीं मानी जाती है, मैं 30 जुलाई को एक दिवसीय धरना दूंगा, धरना प्रदर्शन दिया जाएगा नगर आयुक्त कार्यालय के समक्ष। 30 जुलाई को मैंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में, जो क्योंकि वो शहर से बाहर थे, किसी भी अधिकारी ने वार्ता नहीं किया, उसके क्रम में मैं आज पुनः 1 अगस्त को हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। उस दरमियान उसके पहले ही हमारी और यहाँ के नगर आयुक्त अपर नगर आयुक्त से तमाम कई चक्र में दूरभाष से वार्ता हुई। हम लोगों का ये हम लोगों की मांग है कि वार्ता कर लीजिए। हम लोगों की मांग अगर नगर आयुक्त आते हैं उसके बाद समाप्त कर लीजिए, नगर आयुक्त आते हैं तब तक इसको हम स्थगित कर देते हैं। तब उन्होंने एक लिखित तौर पर मुझको पत्र दिया और उस पत्र के आधार पर मैंने अपना यह आंदोलन स्थगित किया है। नगर आयुक्त आएंगे, उनसे बात होगी और नियमित सफाई कर्मचारी को हम मांग करेंगे कि 25 वार्डों की जगह उनको 15 से 17 वार्डों में समाहित कर लिया जाए, जहाँ पूर्ण रूप से नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारी हों,